कोई सनातन राष्ट्र नहीं मांग रहा है, हिंदू राष्ट्र। हम तो हम कहते हैं कि इस देश में जो भी रह रहा है वो हिंदू है, घर में ही तो रह रहा है। लेकिन घर में भी एक भाई ऐसा होता है जो बिदक के रहता है, तो वो बिदके वो भाई है, आ जाएंगे वापस, चिंता मत कीजिए। जंतर मंतर पर बागेश्वर धाम के समर्थन में काफी लोग यहाँ पे आए हैं, कुछ धर्म गुरु यहाँ पे आए हैं। सर क्या कहना चाहते हैं, समर्थन बागेश्वर, एक संत को, एक धर्म गुरु को रक्षा की जरूरत क्यों पर? धर्म को रक्षा की आवश्यकता नहीं है, धर्म को चलाने की आवश्यकता है। धर्म को हम रक्षा करने के लिए नहीं आए, हम धर्म का साथ देने के लिए आए हैं, सत्य का साथ देने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो जनता आई है, लोग आए हैं, वो उस आघात का विरोध करने आए हैं जो लोग हम पे पत्थर मारने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो यहाँ आके आप अपने जवाबों को जाते हो तो यहाँ आए जनता के सामने। आमतौर पर जंतर मंतर पर वही लोग आते हैं जो राजनीति करना चाहते हैं। हम राजनीति वालों को ये बताने जाते हैं कि सत्य सनातन धर्म सत्य है, और सत्य का साथ देने के लिए 500 रुपए की भीड़ नहीं आती है। 500 रुपए की भीड़ लाने वालों, यहाँ देखो ये लोग जो खड़े हैं, ना 50 के लिए आए, ना 500 के लिए आए, ना 5000 के लिए आए, राम के लिए आए हैं, सत्य के लिए आए हैं, और सत्य सनातन सत्य है वो सबके सामने। वीरेंद्र शास्त्री को झूठा साबित कर दिया सुहानी शाह ने, उन्होंने कहा माइंड रीड करते हैं। अरे सुहानी शाह ने जो किया है वो तो 3 दिन में गायब हो गई, बाबा वहीं पर है, वहीं था और वहीं रहेगा। सुहानी शाह ने जो किया है, मैं कह रहा हूँ आप भी उसको जवाब दे सकती थी, आप भी जानती जवाब दे सकती थी। अगर वो आपके पर्स में जितने नोट है उनका नंबर बता दे तो मत मान ले, वो केवल एक जादूगरनी है, जादू की बात करती है, बाबा अध्यात्म की बात करता है। सुहानी शाह कारण जान सकती है, निवारण नहीं कर सकती, और सत्य सनातन धर्म निवारण भी करता है, अध्यात्म निवारण भी करता है और कारण भी बताता है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र है तो है, तो बनाने की जरूरत क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। सुनिए, इस देश में डेमोक्रेसी है, 80% हिंदू है, तो हिंदू राष्ट्र हुआ। और आज तक हम वो बात कह नहीं पा रहे थे, आज बाबा ने कह दी, और इसलिए पूरी जनता साथ आ गई। तो पूरी जनता साथ आ गई, दिक्कत क्या है? जिनको विपक्ष में है, जिनको राजनीति करनी थी, जिनको टोपी पहनानी थी, वो टोपी पहनाने का जमाना गया, अब जमाना आ गया है सत्य को सत्य रूप में उपस्थित करने का, वो सत्य सामने आ रहा है, और कोई चिंता की बात नहीं। जिनको हल्का सा भ्रम रह गया है, बहुत जल्दी वो सत्य सनातन धर्म की विजय के लिए हिंदू राष्ट्र का, कोई सनातन राष्ट्र नहीं मांग रहा है, हिंदू राष्ट्र, सबका राष्ट्र। इस जनमानस का राग, मुसलमानों को भी हिंदू त्यागता नहीं है। इस देश में इकबाल ने एक बात की, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, उस वक्त सब साथ देते थे, आज क्या हो गया? आज वो इकबाल के जो लोग साथ देते थे, इस तिरंगे के नीचे चलते थे, भगवा के नीचे चलते थे, आज केवल राजनीति करने के लिए सत्य सनातन धर्म का, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। हिंदू ग्रंथों की हिंदू ही विरोध क्यों कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं रामचरितमानस जो बकवास ग्रंथ। सबसे पहले तो जो मौर्य साहब है वो बौद्ध अपना चुके, बौद्ध धर्म को अपना चुके, लेकिन मैं कहूंगा हिंदू तो अब भी है, हिंदू अब भी है। घर वापसी होगी, घर वापसी की जरूरत ही नहीं है, जहाँ है वो घर वापस में ही है, घर वापसी ही है, घर वापस में ही है, घर से बाहर ही नहीं है। हम तो हम कहते हैं कि इस देश में जो भी रह रहा है वो हिंदू है, घर में ही तो रह रहा है। लेकिन घर में भी एक भाई ऐसा होता है जो बिदक के रहता है, तो वो बिदके वो भाई है, आ जाएंगे वापस, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिंदू राष्ट्र जो है, यहाँ पे बताया गया कि हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सभी सनातनियों को एक साथ होने की जरूरत है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।